तो अब सेमी इलास्टिक कोलिजन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उनमें से पहला क्वेश्चन, अ बॉल ऑफ मास स्मॉल एम मूविंग विद वेलोसिटी यू कोलाइड्स हेड ऑन विद अनादर बॉल ऑफ मास ई एम मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी ई यू। इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, देन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल विल बी। तो एक बॉल है एम मास की और वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी यू, और दूसरी बॉल है ई एम मास की और ऑपोजिट डायरेक्शन में ई यू वेलोसिटी से मूव कर रही है। इनके बीच होता है हेड ऑन कोलिजन। इसका मतलब ये अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। हम मान लेते हैं कि ये डायरेक्शन है पॉजिटिव। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है ई। हमसे पूछा है सेकेंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, मतलब वी टू हमसे पूछा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में या इलास्टिक कोलिजन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमको लगाना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम को बैलेंस कर लेना चाहिए। बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। इसका मोमेंटम कितना, एम यू मास इंटू वेलोसिटी। फिर इसका मोमेंटम कितना होगा, मास है ई एम, वेलोसिटी को लेना पड़ेगा माइनस साइन के साथ। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई एक बॉल, तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन, यहाँ गलती हो सकती है। तो एम यू इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा, माइनस साइन के साथ ई स्क्वेयर एम यू, ई स्क्वेयर एम यू। ये है टोटल मोमेंटम सिस्टम का बिफोर कोलिजन। इज इक्वल टू वेलोसिटीज यदि आफ्टर कोलिजन वी वन और वी टू हो, तो एम वी वन ये मोमेंटम पहली बॉल का और इसका मोमेंटम ई एम वी टू, ऐसा हो जाएगा। एम कैंसल आउट, तो यहाँ बचता है यू माइनस ई स्क्वेयर यू इक्वल्स टू वी वन प्लस ई वी टू। दिस इज इक्वेशन वन। और अब लगा देंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन। तो क्या जानते हैं आप, अक्सर उसको ऐसा हम लिखते हैं यू वन माइनस यू टू इंटू ई, ऐसा ही लिखना चाहिए। तो माइनस साइन का चक्कर नहीं आएगा। यू वन कितना है यहाँ, वो है यू, फिर माइनस साइन इस फॉर्मूले का, यू टू इज माइनस ई यू, ये हो जाएगा प्लस ई यू इंटू ई इज इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन। हमको वी टू चाहिए, इस बात पर ध्यान देंगे। तो इसको आगे ऐसा लिख लेते हैं यू ई प्लस प्लस ई स्क्वेयर यू इक्वल्स टू वी टू माइनस वी वन। ये इक्वेशन टू। हमको चाहिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल, सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन, यानी हमको चाहिए वी टू। और वी टू यदि चाहिए तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, एडिंग वन एंड टू। तो ऐड करने से क्या होगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये वी वन कैंसिल आउट होगा और इधर क्या होगा, आर एच एस में वी टू आ जाएगा कॉमन, तो अंदर बचेगा वन प्लस ई। और इधर एल एच एस में ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये बचेगा u प्लस यू ई, यू कॉमन कर लें तो अंदर बचेगा वन प्लस ई। तो वन प्लस ई कैंसिल आउट होकर वी टू कम्स आउट टू बी u, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहे हैं। टू स्फीयर्स 1 kg 3 kg मास मूव विथ 20 and 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड आफ्टर डायरेक्ट कोलिजन। डायरेक्ट मतलब भी हेड ऑन, और दोनों को ही कहते हैं वन डायमेंशनल। तो वन डायमेंशनल या हेड ऑन या डायरेक्ट, इन तीनों तरह की कोलिजन्स में वो जो कोलाइडिंग बॉडीज हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करती हैं बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। तो दो स्फीयर्स हैं, एक है 1 kg मास का, दूसरा दे रखा है 3 kg मास का। क्या बोल रहे हैं आगे, और मूव करते हैं ये किस वेलोसिटी से, 20 and 10 आफ्टर डायरेक्ट कोलिजन। ध्यान देंगे, मतलब ये वैल्यूज जो दे रखी हैं ये वी वन वी टू की वैल्यूज हैं। मासेस तो ये हैं, हमको ये नहीं पता है। आगे आप पढ़ोगे तो देखोगे यू वन यू टू नहीं मालूम, ये बाद की वेलोसिटी जरूर आपको पता है, बाद की वेलोसिटीज दे रखी हैं ये जो 20 और 10 दे रखी है। आगे पढ़ते हैं, इन द सेम डायरेक्शन If coefficient of restitution is 1/3, the velocities of the spheres before collision are respectively in centimeter per second. तो हमको ये u1, u2 ही find out करना है।
हमको बोला हुआ है कि 1 kg आफ्टर कोलिजन मूव करती है विद 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जो 3 kg की है ये मूव करती है विद वेलोसिटी 10। तो दिस इज v1 एंड दिस इज v2। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं सबसे पहले। क्या लिखेंगे यहाँ? 1 × u1 यानी u1 प्लस सेम डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव सपोज कर लिया है, तो 3 × u2, 3u2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 × 20। तो इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसमें? मीटर पर सेकेंड में। आंसर आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही आ जाएगा, और वही उसी यूनिट्स में पूछा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 × 20 + 30। ये लगा दिया है मैंने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो u1 + 3u2 इज इक्वल टू 20 + 30। 20 + 30 इज 50। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। और अब लगा देते हैं न्यूटन का लॉ। तो u1 - u2 इंटू यहाँ क्या आएगा? ई ई 1/3 है, 3 का कर देते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 3 × v2 - v1 मतलब 10 - 20 यानी वो होगा -10, यानी ये हो गया -30। दिस इज इक्वेशन टू, दिस इज इक्वेशन टू, ये 30। बाद की वेलोसिटीज निकालनी है आपको, तब क्या करें? यदि घटा दें इक्वेशन 1 में से 2 को तो क्या होगा? ये u1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा 4u2, 4u2। और इधर क्या होगा? 50 - -30 यानी 80, 80। तो u2 कम्स आउट टू बी 20 + 20 या -20, तो ये आएगा 20 के बराबर, पॉजिटिव साइन के साथ आ रहा है ये। और u2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो u1 निकल आएगा, ये होगा -20, उधर जाकर u1 कम्स आउट टू बी -10, और ये आंसर्स आएंगे किसमें? सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो क्लियरली ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। तो बस प्लस माइनस साइन की गड़बड़ी से ही गड़बड़ी हो सकती है, अदरवाइज आप देख रहे हैं हर तरह के क्वेश्चन में हमको करना क्या पड़ता है? कंजर्वेशन मोमेंटम, और दूसरा करना पड़ता है न्यूटन का लॉ या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? 2 spheres 20 kg वेट एंड 5 kg वेट मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद 10 m/s 30 m/s रिस्पेक्टिवली कोलाइड डायरेक्टली। तो kg वेट ये यूनिट किसका होता है? फोर्स का। तो इसमें से यदि WT हटा देंगे, मतलब कहने का यह है कि एक स्फीयर है 20 kg का और दूसरा है 5 kg का। तो एक स्फीयर 20 kg और दूसरा स्फीयर 5 kg, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर रहे हैं। यहाँ बोला हुआ है आगे कोलाइड डायरेक्टली, डायरेक्टली या फिर वन डायमेंशनल या हेड ऑन कोलिजन, सब एक ही बात है। डायरेक्टली का मतलब है कोलिजन के पहले और बाद में सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पर वो स्फीयर्स मूव कर रहे हैं। तो 20 kg इसकी वेलोसिटी है 10 और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ ऑपोजिट को अंडरलाइन कर लेना चाहिए, गलती ना हो इसलिए। तो ये मूव कर रही है 10 m/s से, 5 kg इज मूविंग विथ 30 m/s। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। इफ ई इज हाफ, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हाफ हो, देन फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन इन मीटर पर सेकेंड। v1 v2 हमको फाइंड आउट करना है। तो एक इक्वेशन बनाते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, क्या होगा? 200, फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन है तो -150 इज इक्वल टू m1 मतलब 20 v1 प्लस 5 v2। ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से बनी हुई इक्वेशन, क्योंकि 50 इज इक्वल टू 20 v1 प्लस 5 v2, 5 v2। तो 5 का इसमें डिवाइड कर देते हैं, हुआ 10, ये 4 और ये 1। दिस इज इक्वेशन 1। और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे न्यूटन के लॉ से। तो 10 - -30 यानी ये हो जाएगा 40, 40 × हाफ,
40 इंटू हाफ यही का वैल्यू इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये हो गया 20 इज इक्वल टू v2 माइनस v1, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब यदि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कुछ नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 20 माइनस 10 यानी हुआ 10 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 माइनस 4v1 माइनस v2, v2 कैंसिल, तो ये माइनस 5v1, तो v1 कम्स आउट टू बी माइनस 2 और ऑब्वियसली ये आएगा मीटर पर सेकेंड में, तो माइनस 2 एक आंसर हुआ और माइनस 2 को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें तो प्लस 2 हो जाएगा और इधर आने पर 18 हो जाएगा वो, तो v2 इज प्लस 18 मीटर पर सेकेंड। तो दीज आर द वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शंस में ही वो बाद में भी मूव करेंगी। आंसर कौन सा सही हो रहा है, माइनस 2 और 18, माइनस 2 एंड 18, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अ बॉल ए मूविंग विद वेलोसिटी यू, ये बॉल ए और ये मूव कर रही है मान लो यू से, फिर क्या बोल रहे हैं, कोलाइड्स डायरेक्टली विद अनादर आइडेंटिकल बॉल बी मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी कम्स टू रेस्ट। मतलब कौन सी बॉल रेस्ट में आ गई, बॉल ए रेस्ट में आ गई, ये बॉल ए यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, सेम स्ट्रेट लाइन पाथ पर ये बॉल बी वेलोसिटी वी से मूव कर रही है और इनके बीच में होती है कोलिजन, और कोलिजन के बाद बॉल ए रेस्ट में आ जाती है, मतलब वी वन जीरो है, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई देन द रेशियो यू बाय वी, इन दो वेलोसिटीज का रेशो कितना होगा, तो पहले लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, आइडेंटिकल बॉल्स हैं दोनों के मास एम सपोज कर लेते हैं, तो एम यू फिर ये क्या होगा, माइनस एम वी ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू एम वी वन, और वी वन तो जीरो है और दूसरी बॉल की वेलोसिटी वी टू बॉल बी की, तो एम वी टू, अब ये जीरो है, एम कैंसल आउट कर दें तो यू माइनस वी इक्वल्स टू क्या बचेगा, वी टू, दिस इज इक्वेशन 1। और अब लगा देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन, तो यू पॉजिटिव वी माइनस यू वन माइनस यू टू, यानी यू माइनस माइनस वी यानी यू प्लस वी इंटू ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, तो वी वन तो जीरो है, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करें, हमको चाहिए क्या है, यू और वी का रेशो, तो दोनों तरफ आप देख रहे हैं आरएचएस में वी टू है, इक्वेट कर देते हैं इनको, तो यू माइनस वी इज इक्वल टू ई यू प्लस ई वी, ऐसा हो जाएगा। अब वी वाली टर्म्स को अलग और यू वालियों को अलग कर लेते हैं, तो इसको इधर लाएंगे, यू कॉमन कर लें तो 1 माइनस ई, और वी वाली ये टर्म उधर जाएगी और ई कॉमन कर लें तो 1 प्लस ई, ये वी है, हमको चाहिए यू बाय वी, तो यू बाय वी इज इक्वल टू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, टू स्फीयर्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद सेम स्पीड कोलाइड डायरेक्टली, इफ वन ऑफ द स्फीयर्स कम टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन देन फाइंड रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द स्फीयर्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई। तो दो स्फीयर्स हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, मान लो उनके मासेस हैं m1 और m2 और वेलोसिटीज कैसी हैं, सेम, तो मान लेते हैं वेलोसिटीज हैं u, तो ये कोलिजन के पहले इस डायरेक्शन को पॉजिटिव सपोज कर लेते हैं, टू स्फीयर्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद सेम स्पीड कोलाइड डायरेक्टली इफ वन ऑफ द स्फीयर्स कम्स टू रेस्ट, तो मान लेते हैं कि ये पहला वाला जो है पहला स्फीयर रेस्ट में आ जाता है, मतलब क्या हुआ, वी वन जीरो हो गया, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ द स्फीयर्स कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज ई, तो 1 रेस्ट में आ गया और 2 की वेलोसिटी है मान लो वी टू, तो अब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन m1 u
फिर माइनस क्या आएगा इधर से एम टू यू, माइनस क्यों, ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट है, तो एम टू यू इज इक्वल टू क्या होगा इधर एम वन वी वन, तो वी वन तो जीरो है, यहाँ आएगा एम टू इसका मास इंटू इसकी वेलोसिटी दैट इज वी टू, ऐसा हो जाएगा। और ये इक्वेशन बनने के बाद एक इक्वेशन और बनाते हैं, वो किसकी इक्वेशन, वो न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से, तो यहाँ क्या होगा u माइनस माइनस u यानी टू यू ई, टू यू ई इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन, तो वी टू माइनस वी वन, वी वन तो जीरो है, ऐसी हो गई दो इक्वेशंस। और अब चाहिए क्या है हमको, हमको चाहिए है रेशियो ऑफ मासेस, एम वन एम टू का रेशियो चाहिए, तो इसमें ये यहाँ से यदि हम क्या करें वी टू का वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर लें इक्वेशन वन में फ्रॉम इक्वेशन टू, क्या लिखेंगे यू टाइम्स एम वन माइनस एम टू, यू कॉमन एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू क्या लिखे हैं टू टू यू ई लिखना है, तो टू ई यू एम टू, ई यू एम टू ऐसा होगा, ये u कैंसिल आउट, तो ये है टू ई एम टू, टू ई एम टू, और इस एम टू को इधर ले जाते हैं, और इधर बचेगा एम वन, एम वन बाई एम टू हमें चाहिए, तो इधर से एम टू कॉमन लेकर इसके नीचे कर दिया, तो ये क्या बचा टू ई प्लस वन, यानी रेशो क्या होगा टू ई प्लस वन इज टू वन, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो उठा पटक क्या आप देख रहे हैं, हर सवाल में हमको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का डेफिनेशन यूज करना है। लेट अस सॉल्व नेक्स्ट, थ्री स्फीयर्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 आर प्लेस्ड ऑन अ सेम स्ट्रेट लाइन, m1 m2 और m3 थ्री मासेस हैं, इनको किसी स्ट्रेट लाइन पर रखा गया है। फर्स्ट स्फीयर m1 इज गिवन सम वेलोसिटी so that it strikes directly with sphere m2 and then sphere m2 strikes directly with m3, इसको वेलोसिटी दें, ये इससे टकराया, फिर m2 m3 से टकराता है। आफ्टर फर्स्ट कोलिजन m1 comes to rest, पहली कोलिजन होगी m1 और m2 के बीच में, m1 और m2 के बीच में होगा फर्स्ट कोलिजन, और ऐसा होने पर क्या बोल रहे हैं m1 comes to rest, इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ और m1 रेस्ट में आ गया। एंड आफ्टर सेकेंड कोलिजन, सेकेंड कोलिजन किसके बीच में होगा, सेकेंड कोलिजन होगा बिटवीन m2 एंड m3, m2 और m3 के बीच में जब कोलिजन हुआ तो क्या हुआ m2 comes to rest, if coefficient of restitution is e then m1 m2 m3 are n, geometric progression arithmetic harmonic may be arithmetic or geometric progression, तो पहले इसके लिए काम करते हैं, पहली कौन सी कोलिजन है किस किस के बीच में, m1 और m2 के बीच में, तो मान लेते हैं इसको हमने वेलोसिटी इम्पार्ट की है u सपोज, और ये तो रेस्ट में है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं m1 into u, फिर इसका मोमेंटम तो जीरो होगा, ये सिस्टम का पहले का मोमेंटम, और बाद में मास m1 वेलोसिटी v1, ठीक है, और इसका मोमेंटम m2 v2, और क्या बोला हुआ है कौन रेस्ट में आ जाता है जब m1 और m2 के बीच टक्कर होती है, देन क्या होता है m2 comes m1 comes to rest, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगी, ठीक है ना, तो m1 u equals m2 v2, ये आएगी एक इक्वेशन, एक लिखेंगे न्यूटन्स एक्सपेरिमेंटल लॉ से, तो u1 minus u2, तो u2 तो जीरो है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, इक्वल्स टू v2 minus v1, v2 minus v1 तो v1 तो जीरो है, और फिर क्या करें इस v2 का यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं, मतलब e u का, तो m1 into u is equal to m2 into eu, m2 eu, तो u कैंसिल आउट हो गया, तो हमको m1 और m2 में एक रिलेशन मिल गया,
एम वन इज इक्वल टू ई एम टू, ये आगे हमें काम आएगा। से दिस इज इक्वेशन ए। अब इसी तरह इसके लिए काम करेंगे एम टू और एम थ्री के लिए। अब टक्कर हो रही है एम टू और एम थ्री के बीच में, एम वन तो रेस्ट में आ गया है। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो एम टू की वेलोसिटी आइडेंटिकल तो है नहीं, इसकी वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं इनकी इसकी वेलोसिटी है मान लो यू डैश सपोज, तो क्या लिखेंगे एम टू यू डैश, ये पहले का मोमेंटम सिस्टम का, और बाद में एम टू वी वन या वी टू लिख लें, वी टू डैश ठीक है, और प्लस एम थ्री वी थ्री डैश, ऐसा लिख लिया हमने मोमेंटम को, ऐसी इक्वेशन बनाना थी। और अब कौन रेस्ट में आ गया है, ये रेस्ट में आ गया है, यानी ये टर्म जीरो, यानी एम टू यू डैश इक्वल्स एम थ्री वी थ्री डैश, ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगा देते हैं, ये इक्वेशन थ्री हो गई, और अब कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ई यू डैश, ई यू डैश यू वन माइनस यू टू इन टू ई, ये हो गया इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन होता है तो वी टू डैश माइनस क्या होगा वी थ्री डैश माइनस वी टू डैश जीरो हो जाएगा, यानी आ जाएगा वी थ्री डैश, उठा पटक है और कुछ भी नहीं। तो ऐसी इक्वेशन ये यहाँ भी बन जाएगी, ये इक्वेशन फोर हो गई। और अब यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन यहाँ कर देना है हमको, तो एम टू यू डैश इज इक्वल टू एम टू यू डैश इज इक्वल टू एम थ्री ई यू डैश, यू डैश विल कैंसिल आउट, तो एक रिलेशन यहाँ से मिल गया एम टू इक्वल्स ई एम थ्री, ई एम थ्री, दिस इज इक्वेशन बी। ऐसी दो इक्वेशंस मिली हमें, अब क्या करें हम, अब हमको चाहिए M1, M2, M3 में रिलेशनशिप, तो क्या किया जा सकता है, E इसमें से निकाल कर और उसमें से निकाल कर इक्वेट कर दें, यहाँ से E कितना आएगा, E विल बी M1, M1 अपॉन M2, ठीक है, और इधर से E की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी M2 बाय M3। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये तीनों जो मासेस हैं M1, M2, M3 ये हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो एम टू स्क्वेयर इक्वल्स टू होगा एम वन इंटू एम थ्री, तो एम टू ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एम वन प्लस एम थ्री, तो ज्योमेट्रिक मीन है कौन, एम टू, एम वन एम टू एम थ्री ये तीनों फॉर्म कर रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इस तरह कि जो मिडिल टर्म है मतलब ये एम टू ये क्या है ज्योमेट्रिक मीन है किसका M1 और M3 का, तो इससे पता लगता है कि ये तीनों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, एंड सो आंसर ए इज करेक्ट।